और जो छठ व्रत रखने वाले लोग हैं वो बहुत श्रद्धा के साथ सूरज को अर्घ्य देते हैं, छठी मैया की पूजा भी करते हैं। हर वर्ष हमारे यहाँ मुंबई में भी इस जुहू बीच पर और कई अलग अलग जगह पर इसका आयोजन होता है और विशेष रूप से ये आयोजन बहुत सालों से लगातार होता है और जब हम सरकार में आए तब से हमने यहाँ पर व्यवस्थाएं करना भी शुरू किया और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर उपस्थित है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम छठी मैया को कोई मन्नत मांगते हैं तो पूरी होती है और सूरज को भी हम लोग अर्घ्य देते हैं क्योंकि वे असीम ऊर्जा के अधिपति है और आज हम देख सकते हैं जो उत्साह है इस उत्साह में शामिल होने के लिए और छठी मैया को आशीर्वाद मांगने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सर क्या कामना की आपकी कि पहली बार सरकार द्वारा इस तरह का बड़ा आयोजन किया गया, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं, सरकार जब हमारी महाराष्ट्र में थी तब से हमने ये परंपरा चालू की और हर साल सरकार तब से कर रही है। बीच में 2 साल कोरोना था, सरकार भी दूसरी थी, लेकिन कोरोना के कारण आयोजन नहीं हुआ। वापस हम सरकार में आए तो आयोजन तो भव्य होगा ही होगा और मुझे ऐसा लगता है कि छठी मैया के पास हमने तो सभी के लिए शुभकामनाएं मांगी। सर आज आपको भोजपुरी आखिर में भाषण के आपके अंत में सुना, वो थोड़ा अलग था आपको? देखिए भोजपुरी जो भाषा है ना बहुत मीठी भाषा है, बहुत मीठी जबान है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की सारी भाषाएं जो है उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। हम सारी भाषाएं हमारी वंदनीय है। हमारी मराठी तो बहुत ही सुंदर भाषा है, सभी लोग ये जानते हैं कि प्राचीन भाषा है, लेकिन इसके साथ साथ देश की सारी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं।